उत्तराखंड के जंगल में बहुत ही खूंखार भेड़िया रहता था। उसे देख के सभी जानवर बहुत ही डरते थे और वो जहाँ जाता था वहाँ से भाग जाते थे। एक दिन एक बकरी वहाँ जंगल में घास खा रही थी और अंदर अंदर घबरा रही थी कि भेड़िया ना आ जाए। फिर मन में वो बोलती है, चलो जल्दी जल्दी घास खा लेती हूँ और अपने घर को चली जाऊँ, नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। बकरी जल्दी जल्दी घास खाती है और उसे बहुत ही जोर की प्यास लग जाती है। बकरी नदी पर पानी पीने जाती है। रास्ते में उसे ऊँट दादा मिल जाते हैं। ऊँट दादा, मैं पानी पीने जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ नदी पर चलिए, कहीं भेड़िया आ जाएगा तो मैं क्या करूँगी। ठीक है बकरी बहन, तुम चलो मैं पीछे से आता हूँ, अभी मैं जुगाली कर रहा हूँ। बकरी डरते डरते नदी पर जाती है और अभी पानी पीते ही रहती है कि अचानक से उसे भेड़िया की आवाज़ आती है। अरे वाह, मुझे मेरा शिकार मिल गया, वो भी बकरी, आज तो बहुत ही मजा आने वाला है। भेड़िए जी, कृपया आप मुझे ना खाएं, मैं गर्भवती हूँ और मेमने को जन्म देने वाली हूँ। बकरी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या? अपना भूख कहाँ मिटाऊंगा, मैं तो तुम्हें खाऊंगा। इतना कहकर भेड़िया बकरी पर टूट पड़ता है और बकरी अपना जान बचाने के लिए जोर जोर से भागने लगती है, परंतु गर्भवती होने के कारण वो बहुत तेज भाग नहीं पाती और एक पेड़ के पास वो बैठ जाती है और जोर जोर से हाँफने लगती है और भेड़िया वहाँ आ जाता है और बकरी पर हमला करता है। बचाओ बचाओ, मुझे इस भेड़िए से बचाओ। उसी पेड़ के ऊपर एक बंदर फल खाते रहता है और पेड़ से वो झांक के देखता है तो देखता है कि बकरी पर भेड़िया हमला कर दिया है। बंदर बकरी को बचाना चाहता है, इस चलते पेड़ के फल को वो भेड़िए पर मारने लगता है। अभी दो चार फल ही भेड़िए को पड़ते हैं कि भेड़िया बहुत ही बंदर पर गुस्सा हो जाता है। अरे वो बंदर, तुझे इस बकरी पर बहुत ही दया आ रही है, जिस दिन तू मेरे हत्थे चढ़ा तेरा कचूमर बना के तुझे खाऊंगा। अरे ओ भेड़िए, तेज बंदर हूँ, रात कभी नहीं आऊंगा। तब तक वहाँ ऊँट भी आ गया और बकरी की हालत देखकर वो सब बातों को समझ गया। अरे दुष्ट भेड़िए, तू इस बकरी को छोड़ दे, पापी। अरे ओ ऊँट, तू मेरे रास्ते में ना, नहीं तो मैं तुझे भी खा जाऊंगा। तुमने मुझे बकरी का बच्चा समझा है क्या, जो मुझे खा जाएगा। ऊँट इतना कहकर भेड़िए को लातों से मारने लगता है और बार बार मारने लगता है। ये सब देखकर बंदर भी पेड़ से नीचे आ जाता है और एक लाठी लेकर वो भी भेड़िए को मारने लगता है। वहाँ एक गधा भी आ जाता है और वो भी भेड़िए को जाकर अपने उल्टे पैरों से बार बार मारने लगता है। भेड़िया बुरी तरह घायल हो जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं खाऊंगा, मुझे माफ कर दो। और ऊँट भेड़िए के गर्दन को अपने दांतों में पकड़ लेता है और ऊपर की ओर उछाल कर नीचे धरती पे पटक देता है, जिसके वजह से भेड़िया अपना दम वहीं तोड़ देता है। फिर सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और उसी समय बकरी एक प्यारे से मेमने को जन्म देती है। फिर सभी उस मेमने को बहुत प्यार करने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही बल है। सभी जानवरों ने एक होकर भेड़िए को मार डाला और अपनी रक्षा की। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।